इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। और ये भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे इंसान है जिसकी में रग रग में उनके खून बसा हुआ है कांग्रेस का, वो पहले से भी कांग्रेस के हैं, आगे भी कांग्रेस के रहेंगे और हमें सबको आगे लेके जाने में वही है, उनका ही हाथ है। गेम करा है मेरा पर साथ ही साथ शादी को क्या जिनको आया था हमारे काम के पीछे के क्या किडनैप वो भी प्रेसिडेंट जनाब सलीम अहमद साहब, इसे मैं मुबारकबाद देता हूँ कि हाल ही में जो चुनाव हुए देश में म्यूनिसिपल काउंसिल के वो इलेक्ट होके आए हैं पश्चिम माध्यम से। हमारे के पी सी माइनॉरिटी विंग के अध्यक्ष हमारे सदर अब्दुल जब्बार साहब, बिल्डर सदर के एक पानी हुए अतिथि और जो गरीबों में हमेशा रहते हैं जनाब सुरेंद्र शेख साहब, हमारे खानापुर के एमएलए श्रीमती अंजलि निपालकर जी, हमारे गुलमरबाग उमरगा के एमएलए कवि फातिमा जी, हमारे पुराने मंत्री और शासक वीर कुमार पाटिल जी, पुराने मंत्री और एवी पाटिल साहब, हमारे दिल्ली के एक्स एम एल ए डोंगर राव साहब, हमारे बागेवाड़ी के पिता छोटे साहब, हमारे अबावी के कैंडिडेट अल्पावी के कैंडिडेट दवाई साहब और केपीसी की माइनॉरिटी सेल के सीनियर्स जमात के सदर और मेम्बर, बच्चों भाई बहन और हमारे बेलगाम शहर के कॉर्पोरेटर्स, बड़ी खुशी होती है आप सब हमारे दावत पे करके आज आए यहाँ पे और इस प्रोग्राम की रोशनी बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे मीडिया के मेम्बर आपका इस्तकबाल है, वेलकम है। ज्यादा हमारे देते हुए मैं एक दो बात कहूँगा, हमारे एक्स मिनिस्टर और एमएलसी नसीर अहमद साहब, ज्यादा बात न्याय देते हुए मैं एक बात कहूंगा कि हम सब आजादी से और आजादी के पहले से कांग्रेस पार्टी में थी, क्यों हम कांग्रेस पार्टी में पूरी 90% से ज्यादा हमारे काम माइनॉरिटी थी, क्यों कांग्रेस पार्टी के साथ में है, कांग्रेस पार्टी हमारे साथ में है। हमें इसलिए साथ में नहीं है कि हमें कोई डराता है कि शैतान आ जाएगा और शैतान के डर के हम कांग्रेस में है, हमें कोई डरने की वजह नहीं है, उसके लिए हमारे सूर्य और आयात भी काफी है। क्या इसलिए कांग्रेस पार्टी में के हमें कुछ अपीलमेंट दिया गया है, कुछ लालच दी गई है, अब उसमें भी नहीं है कांग्रेस पार्टी,
हमारे कांग्रेस पार्टी के आगे इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है। कांग्रेस पार्टी क्या कहती है? कांग्रेस पार्टी यही कहती है कि हम सब एक हैं, हमें सब हमारे धर्म पालने का हमें अधिकार है, हमें हमारी शिक्षण का अधिकार है, हमें हर चीज का अधिकार दिया जाता है। मोदी साहब जो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये नहीं है, ये हमारी कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है। तो किसी बातें होती है झूठे बातें होते हैं, हमारे बातें इस पार्टी की आइडियोलॉजी है और इस आइडियोलॉजी के साथ हम चलते हैं। हमारे जितने भी पहले से लेके आजादी पहले से लेके आजादी के हमारे क्रांति चढ़ गए, हमारे कितने मौलाना हमारे पास में चढ़ गए, 70 साल से पार्टी हमारे साथ देते आई है और 70 साल से पार्टी का साथ देते आए हैं और इंशाल्लाह हमेशा जब तक हमारे खून में हमारे नसों में खून है, जब तक हमारे नसों में खून बहता हुआ है जाएगा तब तक हम सब कांग्रेस पार्टी के रहेंगे। इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी छोड़ के कोई नहीं जाएगा। हमारे डीके शिवकुमार साहब उनकी आवाज उनकी पर्सनालिटी और जो हिसाब से हमें सबको लेके चल रहे हैं, हमें सबको मिला के लेके चल रहे हैं, इंशाल्लाह 2023 के इलेक्शन में कामयाबी जरूर कांग्रेस पार्टी की होगी। और एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। भाइयों बहनों बेटियां बच्चे नौजवान और बुजुर्ग, आपसे इतना ही कहूंगा मैं कि आप सब जो बैठे महिलाओं के, आप कांग्रेस की बैकबोन है, मतलब उसका मतलब रीढ़ की हड्डी है, आप फाइनल बॉर्ड है, इतना आप याद रखिए। आप कमजोर होने से पूरा जिस्म खत्म हो जाए तो आप फिर सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी सारे हिंदुस्तान में आज की तारीख में अखिलियत हो गई। और किस बात की जिम्मेदारी कि आपको संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जिंदा रखना है, उसको तितर बितर होने देना नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। और आपको जिम्मेदारी निभाने के लिए आपके साथ के इंसाफ हो, ये सब ये बड़े लोगों की जिम्मेदारी है। यहाँ इसमें बैठे हैं जहां हम बड़े बुटे दिखते हैं वहां हमें और ज्यादा बांटने की कोशिश की जाती है, चाहे फिर वो खरिया में हो, सिटीज में हो, इंस्टीट्यूशन में हो, कहीं भी। और वो जाके ऐसी हरकतों से हम कांग्रेस पार्टी को कमजोर करते हैं। जब कांग्रेस पार्टी कमजोर होती है तो ये आज जो आपने देखा, ये बिल आया वो बिल आया, ये कानून आया वो कानून आया, जो मुंह में आया वो भक्ति जाते हैं। तो हमारी जरूरत क्या है? हमारी जरूरत हम हमारे जवाहर भाई कदर साहब की तरफ से समझाए, श्रीराम भैया साहब के पास उनके घर चले गए थे 10-20 आदिमों को लेके और 20 जिम्मेदारों को। तो आदिमों की नजर में क्या था कि सबसे पहले हमारे बच्चों की तालीम, जहां पिछले 70 साल में 75 साल में अगर गंगा शहर ही आप लोग तो जहां उर्दू स्कूल तो बहुत से हैं, सरकारी प्राइमरी हाई स्कूल है नहीं, तो 7वीं या 6वीं में हमारा एजुकेशन कट होने लग गया था। तो ये आपने कहा कि मेहरबानी करके अगली बार बहुत काम किया 2013 और 2018 के बीच हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर साहब थे, सत्य जायसवाल जी थे, माइनॉरिटी मिनिस्टर तनवीर शेख साहब थे और भी बड़े मिनिस्टर ये भी थे, आज के जो हमारे अध्यक्ष हैं शिव कुमार जी,
कोशिश करते हैं, लेकिन गैप गैप में पड़ता है तो काम में रुकावटें बहुत आ रही, बहुत काम में रुकावटें। कोई करना चाहता है तो दूसरा करने देना नहीं चाहता, ये भी तो होता है, ये भी जाना होता है हम लोगों में। और एक आइडियोलॉजी की बात कोई कर रहे थे यहाँ, मेरे ख्याल से बहुत ही सीनियर अंजलि जी ने खूब अच्छी बात की, ये जो आइडियोलॉजी कांग्रेस की है, कांग्रेस के ही 17 दिन को हमने हमने बड़ा किया है, अखिलियतों ने बड़ा किया था ये 17 लोगों को, आज जो बीजेपी में जाके उनकी सरकार बना के रखे। तो आपको क्या लगता है ये होना चाहिए? देखिए, सबसे ज्यादा हम अल्लाह रसूल को चाहते हैं, उनकी बेइज्जती, उनके साथ बैठ कर उनके बारे में गैर गैर बकवास करना, ये हमें काबिल बर्दाश्त है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इससे बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है, हम भूखे रह जाएंगे, हम अनपढ़ रह जाएंगे, बगैर छत के रह जाएंगे, लेकिन ईमान के बगैर में ला इलाहा इल्लल्लाह के बगैर हम नहीं रह सकते। आज भी किसी दिन इंची के बारे में बात की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत बड़ी बात की 1984 में हमारे राजीव गांधी साहब के बारे में, आपने सुना होगा तनवीर साहब, लेकिन किसी ने भी 2002 का गुजरात याद नहीं दिलाया, किसी ने भी नहीं दिलाया कि भाई आपको ग्रैंडफादर ने दिन गुजरात में जो अहमदाबाद बड़ोड़ा सूरत में हुआ उसके बारे में तो कोई बात किया नहीं। ये जो बातें हैं फिक्र की बात है, कहीं ना कहीं आप सबको बैठ के इकट्ठा होकर कांग्रेस की ताकत बढ़ाने के तरीके अलग अलग है, वोट देने के भी नहीं, आपकी जो जरूरतें हैं आप इकट्ठा होकर के अच्छी तरह से समझाइए, क्योंकि हमारे गांव की ये जरूरत है, चाहे फिर वो मुसलमान हो क्रिश्चियन हो, दोनों की समस्याएं आज की तारीख में एक एक ही है, क्रिश्चियन थोड़े लिखे पड़े हैं, बहुत कम माइक्रो माइनॉरिटी है, हम लोग थोड़ा ज़्यादा बड़े माइनॉरिटी में आते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको यही सोचना है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा और कैसे होगा, क्या करने से होगा, और किसके सामने ये बात जाके बड़ों के सामने हमें ये बातें रखनी है अच्छी तरह से। 10 लोग 10 बातें करें तो 10 लोगों की भी इज्जत नहीं होगी, इनके मन में आएगा कहते हैं और होगी तो घर और बढ़ता नहीं है, चले होता नाम भी चले होता कहते हैं, आज ऐसी बात होती है हमारे पास, याद रखिए। तो जब भी सिद्धरामैया साहब की कैबिनेट थी, उनकी मिनिस्टरशिप में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, कर्नाटक की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पट अखिलेतों को उनके पीरियड में पूरे 5 साल में, जहाँ 2-4 करोड़ मिलते थे 2-4 हज़ार करोड़ मिलने लगे, पर तो हमने प्रस्ताव रखा उनके सामने कि कम से कम 1-15 हज़ार करोड़ सालाना बजट में का निकाल सके, क्योंकि आपका बजट 2 लाख करोड़ से ज़्यादा होता है, 15 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का आप रखिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेस एजुकेशन पे और हमारे हाउसिंग पे दे दीजिए, ये हमने उनके सामने प्रस्ताव रखा है, और ये भी कहा है कि ये आपको लिखित मैनिफेस्टो में देना पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जब डीके शिवकुमार साहब पावर मिनिस्टर थे कर्नाटक स्टेट के, बेलगाम शहर के सिर्फ अंडरग्राउंड केबलिंग के लिए 450 करोड़ रुपया उन्होंने दिया, 410 करोड़ बताया। तो ऐसे काम करने वाले दिग्गज लोग काफी हैं यहाँ। बेलगाम की एक बड़ी समस्या की ये भी है, हमें इन लोगों बात की आपस में, हमें भी हक में बात करते हैं कि बेलगाम जिला 18 MLA का है, बहुत बड़ा जिला है, इसको थोड़ा बाइफरकेट कीजिए, छोटे छोटे बनाइए तो मैनेजमेंट भी ईजी होगा, जो काम करने वाले लोग हैं डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर 18 कॉन्स्टिट्यूंसी को कैसे संभालेंगे, उसको 2 या 3 बनाइए करके, ये भी कोई बहुत ही दानिशमंद लोग आए थे हमारे साथ, इन्होंने प्रस्ताव रखा ठीक है सिद्धरामैया साहब के सामने, तो उन्होंने कहा कि ये कंसेंसस ले करके करेंगे ये बात, तो हम जब भी थे 2008 से 2018 तक ये भी बात काफ़ी बार आई थी सामने, वो बड़े हैं वो फैसला करेंगे, मगर उसमें अखिलों का काफ़ी फायदा होगा ये हम जानते हैं। उससे बढ़ करके आप सबसे गुजारिश है हमारे कि आप एक साथ में एक दिन में 5 बार जमात से मिलने वालों में से एक ही कौम है पूरी दुनिया आप और हम, और 5 बार मिलते हैं और 5 बार बिछड़ते हैं, और एक भी कौम में से सोसाइटी बना करके हम सक्सेसफुल नहीं करते,
ये बनाई है, ये आपका काम पूरा करके देंगे ये सभी जितने भी हैं। और हमारे जब कमिटी साहब थे माइनॉरिटी मिनिस्टर, मुझे नहीं लगता है कि पूरे कर्नाटक के हिस्ट्री में इतना फंड इस वर्ष हुआ है। बेलगाम से अन्य कम से कम हमने के फाइनेंस कॉर्पोरेशन से 20,000 लोगों को यहाँ पे मदद दिलाई है इनके। तो ये बातें 10-20 मिनट में बात नहीं कर सकते, नए नए साल में 1 जनवरी के बाद में पूरे डिस्ट्रिक्ट के हर मोहल्ले में और इंशाल्लाह हर मस्जिद में आके आपके साथ एक बार नमाज पढ़ते हम आपस में बैठेंगे। जनवरी से जून और जुलाई अगस्त तक सबकी राय लेंगे, सबके मन में बड़ों से मिलेंगे और कहेंगे कि भाई हमें भी ये चाहिए, अब हमारा हक है, सब मांग रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सब पार्टी के लोग मिल करके आ रही है, देखा ना क्या थी बीच में कोई जमा हुए उसके बाद वो भी है, ये सब मिलते हैं तो अच्छा लगता है। हम कहते लोगों को बुरा लगता है, अरे ये क्यों एक हो रहे हैं, आप ठीक हो जाइए बाकी सब आपका मामला ठीक हो जाए। कभी कभी गलती होती है कांग्रेस वालों से, कहने को कह देते हैं मुसलमान है कहा जाएगा हमको छोड़ कर, ऐसा मत कीजिए सर, है उनको संभाल के रखिए, जो गए हैं उनको वापस लाएंगे कलकत्ता से यूपी से और हिंदुस्तान की सरकार बनाने की कोशिश करेंगे ज्यादा दौर में। आप सबको कहाँ जाएंगे बोलते बैठेंगे तो एक बात आपको मैं समझाता हूँ आज सबको और आपकी तरफ से इनको समझाता हूँ कि हमने खानापुर में मराठा को वोट दिया, रामदुर्ग और बेलगापुर में लिंगायत को वोट दिया, यमकन पार्टी में सतीश शाह को एसटी कम्युनिटी को दिया, हमने कम्युनिटी देखने के लिए वोट नहीं दिया, सिर्फ कांग्रेस को देख के वोट दिया है, सिर्फ कांग्रेस को। मगर जब भी हमारा कोई कैंडिडेट बैठता है तो कांग्रेस में ऐसा कोई लीडर वो जाति का नहीं है जो मुसलमान को वोट दिला सकता है सिवाय मुसलमान के वोट। ये आइडियोलॉजी सिर्फ हम तक रह गई है, हमारे बाद में ये कंटिन्यू नहीं हो रही है। हमारी गुजारिश है कि ये बातों को आप सुधार लें, नहीं तो फिर जैसे अनिल भाई ने कहा हमारी बहन है छोटी सी हो कि भाई हैदराबाद के इधर उधर आके हवा खराब करेंगे, उन्हें हवा खराब करने के मौका हम नहीं दें और आप भी ना दें, ये हमारी गुजारिश है। वाकई